क्यों हो जाता है? कैसे आप अपना नाम गूगल के सर्च में ला सकते हो? क्यों इस बंदे ने बस चोरी करने के लिए 10 केजी वेट कम कर लिया? और ट्रेन के छत पर ये गोल सा क्या होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, यूट्यूब पे वीडियो शुरू होने से पहले एक ऐड आती है, लेकिन इसको स्किप करने का एक कमाल का तरीका है। आपको वीडियो के एंड तक स्क्रॉल करना है और फिर उस वीडियो को प्ले करना है और ऐड ऑटोमेटिकली चली जाएगी और डायरेक्ट वीडियो शुरू हो जाएगा। नंबर 19, एक आदमी ने अपना 10 केजी वेट कम कर दिया और इतना वेट कम करने के बाद इस आदमी ने चोरी कर दी। स्टार्टिंग से ये इसका प्लान था ताकि ये होल के अंदर से दुकान में घुस सके, और फिर इस आदमी ने 37 लाख रुपए की चोरी कर ली और वहां से भाग गया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही ये पकड़ा गया, यानी पतला होने की सारी मेहनत वेस्ट। नंबर 18, ये काफी सैवेज है। एक बार एप्पल के आईफोन 6 में बेंडिंग वाला इशू आ रहा था, तब सैमसंग ने अपने एड्स में उसी चीज के ऊपर एप्पल को रोस्ट किया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ऐसा टाइप का एड उन्होंने बनाया था और स्लोगन दिया था, बेंड टू दोस हु आर वर्थी। नंबर 17, आपको टॉय स्टोरी मूवी के बारे में पता होगा, लेकिन एक हादसे की वजह से शायद ये मूवी आज लॉन्च नहीं हुई होती। दरअसल इस मूवी को जब बना के कंप्लीट कर लिया गया था, तब सर्वर की गलती से ये पूरी मूवी डिलीट हो गई थी। इसके बाद एक एम्प्लॉय थी जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और ये मूवी उसके पर्सनल डिवाइस में सेव थी, बस इसी वजह से ये मूवी बच गई। नंबर 16, अगर आप कभी भी जीन्स लेने जाते हो और उसे टेस्ट करने के लिए आपको लोगों के सामने जीन्स पहनने में शर्म आती है, तो आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जीन्स का बटन लगाना है और ऐसे जीन्स को नेक के अराउंड रोल करना है। अगर ये पूरी तरीके से हो जाता है तो आपको जीन्स 100% फिट हो जाएगी। आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हो। नंबर 15, आपने देखा होगा कि प्रिंगल्स के पैकेट में मोस्टली प्रिंगल्स की डिजाइन एकदम एक जैसी होती है, क्योंकि इसे एक फॉर्मूला से बनाया गया है। ये इसलिए किया गया ताकि ये एक के ऊपर एक रखने के बाद भी ये टूटे नहीं। आपने आज तक शायद ही कोई प्रिंगल्स लिया होगा जो टूटा हुआ होगा। प्रिंगल्स के पैकेट में 99% टाइम एक भी क्रैक नहीं होता। नंबर 14, आपने तारक मेहता के शो में ये गदा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देखी होगी, पर ये दुकान रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। इसका नाम भी गदा इलेक्ट्रॉनिक्स है और जैसे शो में दिखती है ये बिल्कुल वैसे ही है। कई लोग यहाँ फोन खरीदने नहीं, बस दुकान देखने के लिए आते हैं, और दुकान के पीछे जो स्टोर रूम हम कई बार देखते हैं वो फेक है। इस दुकान में कोई भी स्टोर रूम नहीं है, स्टोर रूम की शूटिंग फिल्म सिटी में ही होती है। नंबर 13, चाइना के उबर ड्राइवर्स आजकल अपने प्रोफाइल पिक को ज़ॉम्बी या किसी डरावनी चीज में चेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी उबर ऑर्डर करने के बाद इनके प्रोफाइल देख के कैंसिल कर ले। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें कैंसिलेशन फीस मिल जाए, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। कई बार तो ये अपने डिस्क्रिप्शन में पैसेंजर को डराने के लिए बहुत खतरनाक चीजें भी लिखते हैं। नंबर 11, प्लेन से ट्रैवल करते हुए कई बार ऐसे झटके लगते हैं। ऐसे झटके में लोग अक्सर डर जाते हैं कि क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और अगर ऐसा झटका होता है तो आपको सबसे पहले कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के फेसेस को देखना चाहिए। अगर इनके मुंह पर बिल्कुल भी चिंता नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि रोजाना कई बार ऐसे प्लेन में ट्रैवल करते हैं इसीलिए उनको पता होता है। नंबर 10, आप इस इमेज को देखो, इसके राइट साइड में प्लास्टिक बैग है और लेफ्ट साइड में एक जेलीफिश। ये दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप कोई भूखे समुद्री जीव होते तो आप इसे खा लेते। ऐसे और भी कई चीजें हैं जो किसी समुद्री जीव जैसे दिखते हैं और जानवरों के लिए ये बहुत खतरा है। नंबर 9, ये देखो, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के हाथ में नॉर्मल कोको कोला का कैन कितना छोटा लगता है। हमारे हाथ में ये पूरा फिट हो जाता है, लेकिन इनके लिए ये उंगली के साइज का है। बस कोको कोला ही नहीं, इनके सामने सब चीजें छोटी लगती है। नंबर 8, ये फैक्ट काफी फनी है। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माने जाने वाले एंड्रे द जायंट जब भी बाहर जाते थे तो उनके साथ हमेशा एक पुलिस होता था, क्योंकि एंड्रे को बहुत ही ज्यादा बियर पीने की आदत थी। इसीलिए वो जाते जाते वो अपना कंट्रोल खो देते थे और किसी के ऊपर गलती से बैठ जाते थे, जिसके चलते उस आदमी की मौत भी हो सकती थी। इसीलिए उनके साथ पुलिस होती थी ताकि एंड्रे को कंट्रोल कर सके। नंबर 7, इस इमेज को देखो, इसमें इंडिया के हर पॉपुलर और टेस्टी खानों को स्टेट के हिसाब से रखा गया है और ये वाकई में काफी अमेजिंग है। नंबर 6, इस इमेज को देखो, ये काफी फनी है, क्योंकि ये गाय एक वाटर स्लाइड पर बैठी है, लेकिन ये यहाँ पर पहुंची कैसे? दरअसल ये गाय एक फार्म से भाग गई थी और कुछ दिनों बाद पता चला कि ये गाय एक लोकल वाटर पार्क में चली गई थी। ये यहाँ स्विमिंग पूल में बैठी होती थी और कई बार स्लाइड का मजा लेती थी। अजीब बात तो ये है कि ओनर ने गाय को कई दिनों तक यहाँ से निकाला ही नहीं, फिर गाय अपने आप ही यहाँ से चली गई। नंबर 5, साइंटिस्ट ने एक कमाल का चिप बनाया है। इस चीज को न्यू ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये एक नए ब्रेन की तरह काम करती है और एक अंधी औरत के दिमाग में जब इस न्यू ब्रेन को डाला गया तो उसे सब चीजें दिखने लगी, वो भी बिना किसी आई ऑपरेशन के। नंबर 4, अगर आपको अपना
अपना नाम गूगल सर्च में लाना है तो आपको बस गूगल पर सर्च करना है एड मी टू सर्च, जिसके बाद आपको अपना पब्लिक कार्ड बनाने का मौका मिलेगा और उसमें आप अपना नाम डाल सकते हो और अपना अकाउंट डाल सकते हो। आप अपने बारे में कोई भी इन्फो लिख सकते हो, साथ ही आपको अगर कोई लिंक अटैच करना है तो आप वो भी कर सकते हो और आप यहाँ फोटो भी अपलोड कर सकते हो। नंबर 3, एक आदमी ट्रैफिक में फंस गया था। जैसे ही ट्रैफिक फ्री होता है तो वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है क्योंकि वो सामने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहा था और तभी सामने वाले की विंडो से ये जानवर निकला। ये लामा जैसे जानवर होते हैं। अब ये कार में क्यों है ये वो आदमी ही जाने, लेकिन इसका रिएक्शन बिल्कुल ओपी है। नंबर 2, आपने आज तक ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि फोन का जो ट्रांसपेरेंट कवर होता है वो कुछ महीनों के बाद अपने आप पीला पड़ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये सनलाइट और हीट की वजह से पीला होता है। दरअसल हमारे जो सस्ते ट्रांसपेरेंट कवर होते हैं वो सिलिका से बनते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल और चीप क्वालिटी का होता है, और ये सिलिका जब सनलाइट के हीट के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन करता है और फोन केस पीला हो जाता है। और इसीलिए अगर आप फोन को ज्यादा बाहर लेके जाते हो या फिर अगर आपका फोन ज्यादा गर्म होता है तो ये येलो हो जाता है और ये रिएक्शन ठीक नहीं हो सकता। नंबर 1, ट्रेन के ऊपर ये सर्कल क्या होता है? अगर आपने ट्रेन को ऊपर से देखा है तो इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा, पर आखिर ये है क्या? दरअसल इसे रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और ट्रेन में कई बार गर्मी होती है और इसीलिए गर्म हवा को बाहर जाने के लिए ये वेंटिलेटर चाहिए होता है, और अगर वेंटिलेटर नहीं दिया जाएगा तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर पटरी से गिर सकती है। इसीलिए ये वेंटिलेटर्स दिए जाते हैं और ट्रेन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जो इन गर्म हवा को ट्रेन से बाहर निकालती है और उनको ऊपर से सर्कल में ढका होता है ताकि बारिश का मौसम हो तो पानी ट्रेन के अंदर ना गिरे। गाइस, आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट। 2004 में एक लड़की ने अपने पूरे परिवार की और साथ ही 100 लोगों की जान बचाई थी। दरअसल ये लोग बीच पर गए थे और इस लड़की को 2 हफ्ते पहले स्कूल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ये पढ़ाया गया था कि सुनामी आने से पहले माहौल कैसा होता है, और इस लड़की ने इस बीच पर ऐसा ही माहौल एक्सपीरियंस किया और उसने सबको बताया और सबने इसकी बात मान भी ली और बीच से जाने के बस 30 मिनट बाद यहाँ बहुत बड़ा सुनामी आया। गाइस, ये फैक्ट तो नहीं लेकिन मुझे काफी फनी लगा। आप जब भी बचपन में कैटफिश का नाम सुनते थे तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसा इमेज बनता था जो कि काफी फनी है। क्या आपने भी ऐसा कभी सोचा है? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही